क्वेश्चन लिखिए, पहला पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज स्टैंड व्हाट डज आर सी एच स्टैंड फॉर। पहला ऑप्शन लिखिए, ए ऑप्शन लिखिए, रिप्रोडक्टिव एंड कंप्लीट हेल्थ। पहला ऑप्शन रिप्रोडक्टिव एंड कंप्लीट कंप्लीट हेल्थ। बी ऑप्शन लिखिए, रिप्रोडक्टिव एंड सेंट्रल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड सेंट्रल हेल्थ। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। जल्दी कॉपी करो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इधर कॉपी कर रहा हूं। एस ए एच ई एल आई सहेली इज इन। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, हाँ पहला ऑप्शन है एनजीओ, एनजीओ वर्किंग, एनजीओ वर्किंग फॉर फीमेल चाइल्ड राइट्स। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ये कॉपी कर लिया, मिडवाइफ वर्किंग इन विलेजेस टू हेल्प इन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी ये सी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया एंड ये सी ऑप्शन हो गया। ऑप्शन पहले अ नेशनल हेल्प लाइन नंबर 4 फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। डी ऑप्शन लिखिए इसमें, डी ऑप्शन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव
फोर ओमेन। हो गया कॉपी, ये हो गया कॉपी। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड, द रिप्रोडक्टिव एंड, स्पेलिंग समझ आ रही है सबको, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, बैठ जा, पहला ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1997, बी ऑप्शन 15 अक्टूबर 1990, सी ऑप्शन 1 अक्टूबर 1980, एंड डी ऑप्शन नन। ये हो गया क्वेश्चन, ये एनजीओ हो गया, ये सहेली वाला लिखो जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया, एन एन ओ एन ई, ठीक है। पांच बजे तक वीडियो आ जाएगी, अगर किसी का छूट जाए देख लेना, ठीक है। ये हो गया, हाँ सुनिए, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए विच आर्टिफिशियल फोर्थ क्वेश्चन विच आर्टिफिशियल विच आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक विच आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक कैन हेल्प कैन हेल्प अ लेडी कंसीव अ चाइल्ड इफ बोथ हर फैलोपियन ट्यूब्स वर आर ब्लॉक। क्वेश्चंस के मतलब समझाऊंगा सबके, आर्टिफिशियल ठीक है,
बताइए क्या क्या समझ नहीं आ रहा इसमें? ये फैलोपियन, FALLOPIAN, फैलोपियन ट्यूब। ये वो ट्यूब है जहां से फीमेल गैमेट पास होके आता है ओवरी से, ओवरी से रिलीज हुआ। ठीक है, जब ये मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराऊंगा तब मैं आपको ये सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन लिखिए, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए, SUZI। बी ऑप्शन IVF। सी ऑप्शन सी, जिफ्ट, ZIFT। डी ऑप्शन GIFT। हाँ ठीक है, एक जायगोट है, एक गैमेट है, एक जायगोट है और एक गैमेट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन, अगर किसी का कुछ छूट जाए, है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है, सब कुछ रिकॉर्ड है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रॉब्लम्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर require doctor's help। ऑप्शन लिखिए, ए ऑप्शन एसटीडी की फुल फॉर्म लिख कर लेके आएंगे, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, एसटीडी। बी ऑप्शन कंसेप्शन पार्चुरेशन एंड एबोशन। सी ऑप्शन कंट्रासेप्शन इनफर्टिलिटी मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम। डी ऑप्शन ऑल। जल्दी जो कल के क्वेश्चन थे ये कॉपी करो जल्दी फास्ट। कंट्रासेप्शन, ये
ये क्या है? हो गया? सुनिए, अब आपको क्या करना है समझिए। अब मैं आपको जो पिछले 5 क्वेश्चन जो कराऊंगा उसमें मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन से आपके एग्जिट एग्जाम में किस तरह से हेल्प करेंगे। कहने को ये 5 क्वेश्चन है, लेकिन आप जब इन 5 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इनसे आप 50 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? इसमें कुछ ऐसा है, क्वेश्चन किस किसने सोल्व किए, सोल्व किस किसने किया क्वेश्चन? ठीक है, नोट्स किसी इसके पास है मेरे? ठीक क्यों नहीं है? ठीक चलिए, अब समझिए ध्यान से आपको क्या करना है। देखिए, थ्योरी तो आपको साथ में पढ़नी ही है। ये क्वेश्चन आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी 2 साल की मेहनत का सवाल है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन था मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर गिवन बाय इंट्रा मस्कुलर रूट। अब मैंने आपको बताया भाई जो वैक्सीन है वे किस किस रूट से दी जाती है। कुछ आईएम दी जाती है, इंट्रा मस्कुलर दी जाती है। कुछ वैक्सीन है जो सबक्यूटेनियली दी जाती है। कुछ वैक्सीन है जो किस रूट से दी जाती है, ओरली दी जाती है। कुछ वैक्सीन है जो इंट्रा डर्मली दी जाती है। ठीक है, अब इसमें से आपने 5-7 वैक्सीन्स का आपने पता कर लिया कौन सी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है। ठीक है, इंट्रानेजल भी होती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दी जाती है इंट्रा नेजर, जो नाक में डालते हैं। ठीक है, ताकि इन्फ्लुएंजा का इंफेक्शन ना हो। अब समझिए, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियली, सबक्यूटेनियली, ओरली, इंट्राडर्मली एंड इंट्रा नेजर, कौन कौन से रूट है ये भाई? मसल्स है, इंट्रामस्कुलर मसल्स में, ठीक है, डायरेक्टली मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, आपने देखा होगा जो इंसुलिन है, इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है? इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है? वो सबक्यूटेशनली दिया जाता है। क्या? सबक्यूटेशनली दिया जाता है इंसुलिन, ध्यान रख लेना, ये सब क्वेश्चन आएगा, लिखो। इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है? इंसुलिन सबक्यूटेनियस। पहला ऑप्शन था इन्फ्लुएंजा, सेकंड ऑप्शन था बीसीजी, सी ऑप्शन था कोलेरा एंड डी ऑप्शन था एमएमआर। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इन 4 ऑप्शन में जिनकी फुल फॉर्म, जो शॉर्ट फॉर्म में है, सबसे पहले उनकी फुल फॉर्म भी लिखेंगे साथ में। ठीक है, जैसे बीसीजी की बैसिलस कालमेटे यूरिन किस पर्पज के लिए यूज होती है। अब आपको यहां पे एक ऑप्शन है, लेकिन अगर ये किसी अदर ऑप्शन में आ गया, ठीक है, अब ये हेल्प आपको केवल इसलिए करेगा, सपोज करो अब ये इन्फ्लुएंजा है, एक ऑप्शन क्या है, इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, बी है बी सी जी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है कोलेरा एंड डी ऑप्शन है
एमएमआर। क्या है एमएमआर की फुल फॉर्म? मीजल्स मम्स रूबेला। ठीक है, मीजल्स मम्स रूबेला। ठीक है, मसल्स ही मीजल्स है। ठीक है, अब समझिए, अब ऑप्शन का बता दो हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं ऑप्शन। करें स्टार्ट। आपने कहीं पढ़ा था इन्फ्लुएंजा को इंट्रानेजल रूट से देते हैं। ठीक है, आपने यही पढ़ा था, किस रूट से देते हैं? इंट्रानेजल रूट से देते हैं। ये रूट आपका हो गया। अब आपने पता कर लिया ये रूट तो नहीं हो सकता। क्लियर है, हो गया? आपको क्या पता था? दूसरा था बीसीजी। ठीक है, आपने कहीं पढ़ा था जो बीसीजी है वो किस रूट से जाता है? इंट्रा मस्कुलर। कहाँ पढ़ा था? किस तरीके से लगाया जाता है? रेबीज का इंजेक्शन लगवाया कभी रेबीज के लिए? हैं? लगाया? ये जो रेबीज के लिए हुआ, ये बीसीजी की वैक्सीन हुई, ये इंट्राडर्मल लगाई जाती है। ये इंट्रामस्कुलर नहीं, इंट्राडर्मल। ये हमारी स्किन के जस्ट नीचे छोड़ा जाता है इसको, है ना? छोटी सी निडिल होती है ना, बहुत बारीक निडिल होती है, जैसे इंसुलिन की होती है ना, इस तरह की होती है। तो आपको पता हो गया बीसीजी है वो इंट्राडर्मल दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन खत्म। सी ऑप्शन क्या है? कोलेरा। भाई कोलेरा है आपका, इसको पता है ये ओरली दी जाती है, लेकिन आपने कभी डी ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, ये किस रूट से दी जाती है। आपने डी ऑप्शन को पढ़ा ही नहीं, ये किस रूट से दी जाती है, तो क्या करोगे? आग बंद करके लगा दोगे? हैं? भाई चार लोग हैं, चार लोगों में से किसी एक ने चोरी की है, हैं? एक का साबित हो गया एक कॉलेज में था, एक का साबित हो गया एक हॉस्पिटल में था, एक साबित हो गया एक अपनी ड्यूटी पे गया हुआ था, हैं? चौथे का साबित नहीं हो पाया, तो आंख बंद करके क्या कह दो? यही चोर है ना? तो हमारा चोर क्या है? फोर्थ ऑप्शन है। क्लियर है? ये कहने को पांच क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन पांच नहीं है ये। ठीक है, ये आपके पास 50 क्वेश्चन है। क्यों? अब आप इनमें इनकी फुल फॉर्म भी लिखोगे, कुछ में फुल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो समझ आ गई इनकी इंपोर्टेंस क्वेश्चंस की। आज तो बहुत अच्छी पनिश भी करने वाला हूं जिसके पास नोट्स नहीं है और जो क्वेश्चन सोल्व करके नहीं लेके आया। ईमानदार से बता देना कौन कौन क्वेश्चन सोल्व करके नहीं आया। ठीक है, इनाम दूंगा, बहुत अच्छा इनाम मिलेगा आज। देखिए, आप जब देखेंगे, जब सोशल फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, समझिए ध्यान से, सोशल फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, इसमें क्या क्या है देखिए, हेल्थ फाइनेंसिंग क्या है, पहला ऑप्शन क्या है स्कोप ऑफ फार्मेसी में? हेल्थ